वही अपना सिगरेट भी क्या बोला? सर फिलहाल तो बेडरूम के बाथरूम का सिंक लगवाया सर। बाथरूम? मैं आपके घर के बैतुल खुलाई मसले पर बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज के मामले की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर। सॉरी का बच्चा। अच्छा ये बताओ कि वो जो रफाकत अली खान साहब हैं जिनको हमने गेस्ट बुलाया था लेक्चर के लिए, उनकी कंफर्मेशन मिली? नहीं सर। व्हाई? जाती काम के सिलसिले में गया। नहीं? क्लासी की मौसीकी और इसका क्या ताल्लुक है? पता नहीं सर, मगर अब क्या करें? अब करना क्या है, तुम लेक्चर दोगे। मैं सर? और वो भी म्यूजिक पर? घबरा गए ना? क्यों? मगर सर मैंने तो कभी हैप्पी बर्थडे नहीं गाया, गाने के बारे में क्या कह सकूंगा सर? मरो नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मौसीकी पे लेक्चर देकर वो अशर करो जो अजब गुल फिल्मों के साथ कर रहा है। थैंक यू सर। अब कोई मेरा ख्याल है नया सेलिब्रिटी ढूंढो, वरना फिर मुझे बनना पड़ेगा। सेलिब्रिटी सर? नहीं नया। मैं और आप? अजरत अशीफ ना, ये खुशखबरी है। सर कैसी खुशखबरी है? सर ये कैसी खुशखबरी है? इट्स फॉर मी, इट्स फॉर यू। हाँ मैं सर मार्केट गई थी तो कहना के साथ, बट तुम्हारी क्लास नहीं थी। हाँ मगर उसने कहा कुछ उसको पेपर्स चाहिए तो मैं साथ चलूँ। तो तुमने अपनी क्लास मिस कर दी और वो भी सुखैना के लिए? हाँ उसने इतना स्वीटली कहा तो मैं क्या करती? तो स्वीटली कहेगी कि छत से छलांग मार दो तो तुम वो भी कर दोगी? डिपेंड करता है। किस पे? भाई यही कि नीचे गद्दे कितने पड़े हैं। यू नो दिस इज नॉट फनी, आई मीन यू शुडंट मिस योर क्लासेस। अच्छा सॉरी, पता नहीं उसका नाम सुनते तुम अजीब इरिटेट हो जाती हो। इरिटेटेड? माय फुट। फुट में इरिटेशन यानी कि खारिश। अच्छा तुम कहाँ थे? मैं पीछे सरमद और टूर के साथ बैठा हुआ था। वो दोनों क्या कर रहे हैं? गप्पे मार रहे हैं सुखैना के साथ। तो वो उन दोनों को भी लेके बैठ गई? वो कम ऑन सारा, क्या हो गया? तुम लोगों को पता नहीं है, शी इज नॉट गुड फॉर अस। यानी कि वो लड़कियों का अमरीका है? मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे ख्याल से तुम्हें वहम हो गया। इतनी स्वीट तो है। स्वीट नहीं, स्वीट नाइफ, यू नो मीठी छुरी। छुरी हो या छुरा, है तो बहुत स्वीट। वाकई है? और स्वीट मुझे बिल्कुल मना है। ठीक है तुम लोग मेरी बात को ना सीरियसली लो, एक ही दफा पता चलेगा जब उसके ट्रू कलर्स बाहर आएंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा। कलर्स? कैसे कलर्स? ऐसे कलर्स कि देख के रेनबो याद आ गए। रेनबो मतलब है कि बारिश की बू। हाय हाय पार्टनर, तुम्हें पता तुम्हारा एजाज असल में क्या कॉमन है? क्या? कि तुम मंगल के दिन ARY पैसे जोक मारते हो और वो बुध के दिन। तो कॉमन क्या हुआ? ARY। अच्छा शर्मा कपूर, मैं ये सोच रही थी कि आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते। देखें बेबी, हम ऐसे केस सिर्फ जुमेरात के दिन डील करते हैं। वो हेल्प नहीं, असल मुझे गाने का बहुत शौक है पर मुझे समझ नहीं आती मैं किससे कहूँ। गले से? फनी बॉय। और जिसका मतलब है हम है ना, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपका तो पहले से बहन नहीं है। अब बाबू जी, तो पहले अगर इतने बंदे हैं तो आप आ जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि दूसरा? पार्टनर 5 बंदे पहले ही हैं, हमने बैंड बनाना है, EP म्यूजिकल बैंड नहीं। फनी बॉय जी, इनका मतलब है कि जगह तो दिल में होनी चाहिए। मगर उनको जगह दिल में नहीं चाहिए, जगह दिल में पहले ही बहुत है हमारे पास, उनको कहीं और जगह चाहिए। आई नो, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। अब बस तो सब आप क्या कर रहे हैं यार, लड़की मदद मांग रही हो और आप ना करें, हाँ कह देना। मैं आसमा जंगीर जो हाँ कह दूँ? मतलब यार भाई के नंबर ही थोड़े बहुत बन जाएंगे समझो। जी मान गए, ये आप हमारे लिए गाएंगे, हम आपको चांस दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारा तो काम ही नए म्यूजिशियंस को चांस देना है। हमसे मिलिए, ये है खालिद और मैं हूँ सदफ। थैंक यू, कितनी स्वीट है। बस इट्स ओके। नो सीरियसली, अगर आप लोग मुझे मदद करने के लिए ना मानते तो मैं तो सलमान और बट के बैंड को ज्वाइन करने का सोच रही थी। अब जी घोड़े का मुंह देखा आपने? क्या यार सल्लू, तू यार क्या बैठा कर रहा है, क्या बोरियत हो रही है यार? कुछ नहीं हो रहा, अब हो रहा है ना? ये क्या था? दर्द हो रहा है ना? यार सल्लू तू मुझे कभी सीरियस नहीं लेता यार। अबे बट, तुझे तेरे 5 साल के कजन सीरियसली नहीं लेते तो मैं क्या सीरियसली लूंगा? मैं सल्लू तेरा क्या करूँ यार? कुछ ना कर, अखबार पढ़ चुप कर गया। बार पढ़? ये देख ये क्या है? क्या हुआ? द म्यूजिक वालों का एयर है कि एक सवाल का सही जवाब दे और जीते कॉन्टेस्ट।
कैसा कॉन्टेस्ट? अरे स्पेंड अ डे विद योर फेवरेट स्टार। और सवाल क्या है? अरे फ्रिया परवेज, अली अजमत और रेधिका कैनी में से कौन लड़की नहीं है? तो जवाब क्या है? अरे पिंड के बाद तो अली अजमत ही नहीं है ना। पक्की बात है? हाँ ना। लॉक कर ले। अरे लॉक को छोड़, मैं तो सोच रहा हूँ फोन कर ले। अबे रहने दे, पागल हो गया? फोन करते हैं, ये सब कॉन्टेस्ट शॉर्टेस्ट ड्रामा होता है, कुछ नहीं होता ये। क्यों? अरे यार मैंने इतने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है, कभी मेरा नाम नहीं निकला। सल्लू इसमें मेरा ही कसूर है अगर तू घी के डब्बों में मोटरसाइकिल की चाबियां ढूंढता रहा है। ए बट डोंट गेट पर्सनल ओके, अच्छा लट्ठी यू। वो तो मैं वैसे ही फारिग बैठा हुआ था इसलिए। हाँ तू फारिग बैठा हुआ था इसलिए तूने 30-40 डब्बों का पोस्टमार्टम कर दिया। बट यू डोंट बिलीव मी ना, तू एक काम कर, ये फोन कर और बिस्ती करा ले अपनी। वाकई फोन करूँ? हाँ पैसे आए होंगे 6 रुपए, बस फोन कर ले। खैर यार क्या 6 रुपए, एक दफा ट्राई तो करते हैं। हाँ कर ले कर ले। ये देखिए नंबर भी लिखा हुआ है इनका। हेलो द म्यूजिक जी, जी मैं बट बोलो जी। अरे पागल हो गया, पैसे जाया कर रहा है, इन कॉन्टेस्ट शॉर्टेज में कुछ नहीं मिलता जी। बेवकूफ आदमी है। हेलो यार, वो मैंने पिछले महीने मोटरसाइकिल की चाबी ढूंढी थी, वो घी के डब्बे में से अभी तक मिली नहीं यार। कौन सा घी का डब्बा है वो? ओके ये लोग हैं। पापा मैंने कह दिया बस। तुम क्या प्रेसिडेंट हो कि तुमने जो कह दिया और मैंने मान लिया? पापा मुझे नहीं पता, मुझे घोड़ा चाहिए। सर मैं आपको घोड़ा लगता हूँ? वो तो तुम बाकायदा गधे, लेकिन इस वक्त घोड़ा मांग रहे, उसको भी तुम मना। पापा हैवी बैग तो लेके नहीं दी, घोड़ा ही ले दे। बेटे कितने सीसी का? सर ज्यादा सीसी ना करें। मैं हॉर्स पावर के सीसी की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर। सॉरी का मतलब? हॉर्स तो वो पहले ही है, उसे हॉर्स पावर की जरूरत क्या? ओह माय गॉड, किधर फंस गया हूं मैं? बेटे बबलू तुमने घोड़े के साथ आकर करना क्या है मुझे? पापा मैंने पोलो खेलनी है, ये बादशाहों की गेम है। अच्छा ये बताओ बेटे तुम कहाँ के बादशाह हो? अपने दिल का। देखो बेटे ये पोलो जो है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें घोड़े सवारी के लिए महारत चाहिए। महारत? महारत भी आ जाएगी? ये महारत तुम्हारे फुफे की बेटी नहीं इतनी आसानी से आ जाएगी। बिल्कुल सर बिल्कुल, घोड़ा दौड़ाते हुए कहीं दीवार में बज गया तो आप जेकी के चेले, जब मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। मगर सर कोई फायदा नहीं क्योंकि मुंह ही अच्छा नहीं है। पापा मुझे घोड़ा खरीद कर दे रहे हैं कि नहीं? बेटे यकीन करो मैं अस्तबल में पैदा नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम कि घोड़े के सर पर क्या होता है। तो ये कौन सा मुश्किल होता है, सर की जगह सर और पैर की जगह पैर? बबलू मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें कोई घोड़ा वगैरह नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें घोड़े सवारी का शौक है तो सुबह टांगे पे सफर करो, टांगे पे। आप बड़े जालिम है, की होंदा जी आज मेरी माँ जिंदा होंदी? वो भी शर्मिंदा ही होंदी। तुहानू अब्बा नहीं शफकत चीमा होना चाहिए सी। बबलू सर मुझे क्यों मारा? क्या अपने आप को मारू?